अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई साहब रमंदर खान जी। इस वक्त मेरे घर के ऊपर हमला कर दिए, इस वक्त मेरे घर के ऊपर हमला कर दिए। कमिश्नर पुलिस, अच्छा गुना पुलिस, पुलिस। मैं सैदा नाइदा खान हूँ। इस वक्त मेरे घर पे हमला किया गया पूरा। देखा आपका मैंने फोड़ दिया हमारे घर के, कोई यार के बंडम मार भी कर रहे हैं, लौटा लेके दिया जी। बताओ इस वक्त मेरी फैमिली बहुत मुसीबत में है। मैं अच्छा बंडा पुलिस से मैं मदद की अपील कर रहा हूँ। मैं ऑनलाइन पुलिस की फोन मारी, मैं बंडा वजीरों डायल करी, लेकिन अभी तक पुलिस हमारे पास कोई मौजूद नहीं है। अभी अभी आके पूरे देख सकते हैं, पूरा है ना, अभी तक पुलिस नहीं है। लेके लिए मेरे बच्चे अभी तक नहीं है। तकरीबन 20-25 जने मिलकर रो रहे, तो खुश होता अल्लाह, खुश होता। परेशान रखो तू। बोलो तो पुलिस को बोलो। बस देखिए, पुलिस वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज फौरी मेरे घर पे आइए, फौरी हम लोग की जान बचाइए। हमारे की जान को धोखा है, मेरे बच्चे, मेरे छोटे मासूम बच्चे, मेरे घर में मेरे बच्चे आए। देख सकते हैं आप लोग, देखिए मैं 20 बच्चों के साथ, मेरी मई 15 महीने से सुकून में हूँ। कोई सोशल मीडिया पे मैं नहीं हूँ, किसी के अच्छे में बुरे में नहीं हूँ। नमाज पढ़ लो, अल्लाह के पास जा रहा हूँ, मेरे 20 बच्चों के साथ हूँ। मैं मेरे कोई पुराने वीडियोस लेकर वायरल कर रही, मेरे पुराने वीडियोस लेकर वायरल कर रही लोगों को, मेरे पुराने वीडियोस जो मैं बड़े लोगों को, कोई एमएलए को कुछ भी बोला था, उनका पुराने 3-4 साल पुराने वीडियोस लेके मेरे वायरल कर रही। लेकिन आज मैं मेरे 20 बच्चों के साथ सुकून में हूँ। वो पुराने वीडियोस पे कोई यकीन मत कीजिए। हमारी सेफ्टी का सोचिए प्लीज, हमारी सेफ्टी होना, मेरे को सिर्फ मेरे बच्चों की सेफ्टी होना है। ये देखो आपला, ये बंडा है, यहाँ पे बंडा है, वहाँ पे देखो आपला, पूरे बंडे फेंक के हम लोग के घर पे हमला कर दिए। ये देखिए इस तरीके से घर को तोड़ा गया पूरा, इस तरीके से मेरे घर में पूरे बंदे जने घुस गए। ये गाड़ी का आईना फोड़ दिए, पूरे गाड़ियों के आईने फोड़ दिए। करीब 50-60 जने आए, 50-60 जने। पुलिस को चाहिए कि मेरे बीवी बच्चों की सेफ्टी देखे। मैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हैदराबाद सिटी पुलिस जल्दी आओ मेरे घर पे, पाली शरीफ राजीव गांधी नगर में मेरा घर है। जल्दी आइए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये लाइव रुकेगा नहीं, क्योंकि वो लोग यही ठहरे हुए, बाजू ठहरे हुए। वो लोग तकरीबन 50-60 लोग हैं जो मास्क लगाकर है और मुंह पे दस्तियां बनकर है लोग। आप लोग जल्दी आइए, हमारी मेरे भी